और इन दिस केस द रिस्पोंडेंट नंबर 5 हैज अप्लाइड बिफोर द कलेक्टर फॉर द रिहेबिलेशन बेनिफिट माय लॉर्ड व्हाट द शॉर्ट स्टोरी इन द केस इज माय लॉर्ड दैट द लैंड वॉज एक्वायर्ड इन द नेम ऑफ फादर ऑफ आर 5 इन ईयर 2006 माय लॉर्ड दैट लैंड वॉज एक्वायर्ड एंड फॉर द रिहेबिलेशन बेनिफिट एज द वाला ही ऐसा केस है ये, कलेक्टर ने फाइंडिंग रिकॉर्ड करी है। बट इसमें क्लियरली रिहेबिलेशन बेनिफिट है और एज का डिस्प्यूट है। किसका डिस्प्यूट है? एज का। अच्छा हम आपका कहना है कि हम 2006 में 16 से ऊपर हो गए थे, हमारा कहना आप 16 साल के थे। डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ और जुरिस्डिक्शन का डिस्प्यूट। स्कूल वगैरह का रजिस्टर आप दे दीजिए ना हमें। हमने कर दिया, आधार कार्ड वगैरह फाइल कर दिया है, उसके आधार पर ये मेजर है। That is a reply. नहीं, And आधार that has been कार्ड, taken into consideration ये by the सब collector. आधार कार्ड 2015 के हैं। तो एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए शुक्ला जी, आप अच्छी बहस करते हैं। जी जी थोड़ा सा जो है ना, जी हम तो आपको बोला आप जबलपुर शिफ्ट हो जाइए। अभी 2 दिन से जबलपुर में ही है। अरे 2 दिन से जबलपुर में जी अच्छी जरूर, आप जैसे अच्छे वकीलों की जरूरत है। जी बोला ये जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 कौन है? संगीता संगीता था। ये इनका इलेक्शन आईडी कार्ड लगा हुआ है 2014 का, देखा आपने? नहीं देखा देखा आपने? है। हाँ, ये सब शादी के बाद बना करके। अरे शादी के बाद बना लिया होगा, हाँ इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1/1/1985, हाँ हाँ ठीक है। हाँ आधार हाँ कार्ड को छोड़ दीजिए, हाँ 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 ये कहाँ तक पढ़ी है संगीता मैडम? आपने कुछ लिखा है जवाब दावे में अपने? ये लिटरेट बताती हैं अपने आप को, हैं? अपने आप को लिटरेट बताती हैं। और हमने P4 लगाया है, जो हाँ एक्विजिशन के समय सर्वे होता है, हाँ एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी कंसीडर किया जाता है, हाँ उसमें इनके भी साइन है, इनके पिताजी के भी साइन है। P5 देखा जाए, मतलब P4 P5 P4 इज द एलिजिबिलिटी लिस्ट। हाँ और हमने सर्वे पत्र अगर आप P4 देखेंगे, पेज हाँ नंबर 65 में, जी तो ये हाउस नंबर है 593, इसमें पिताजी का नाम है परम सुख, एक सेकंड, हाउस नंबर 5 फर्स्ट कॉलम में हाँ परम एक सुख, खसरा नंबर है, पिताजी का नाम है। सदस्यों के नाम में अगर देखेंगे तो परम सुख सोता है, उनकी पत्नी कैलसिया, उनकी पुत्री संगीता, महेंद्र और अशोक हैं। जी ठीक और है इनकी उम्र उसमें दर्ज है 34, 32, 16, 14 और 11, जी। ये आश्रित हैं। और इनको पात्र घोषित किया गया, इनके पिताजी को प्लॉट, रहने का मकान, सस्टेनेंस अलाउंस सब दिया जा रहा है। अब धक्का यह इसके है कि अगर ये 16 साल से ज्यादा की तो थी इनको भी तो इनको मिलेगा इंडिपेंडेंटली प्लॉट मिलेगा, मिलेगा। अब ठीक। उसके नीचे उनका है संगीता का सर्वे, उन्होंने अपना उसी अंश का एक मकान को किराए किनारे बोला कि इसमें मैं रहती हूं। 18 साल की बच्ची बोल रही मैं अलग से रहती हूं, पुरानी 16 साल की। 16 साल की। और उसमें लिख दिया पात्र नहीं, इनकी गणना मकान क्रमांक 593 में पिता के साथ की गई है। अब इसके नेक्स्ट एनेक्सर है पत्रक, सर्वे पत्रक, जी जो उस समय ये सब 2006-07 के डॉक्यूमेंट्स हाँ हैं। हाँ इस सर्वे पत्रक में जी ये स्टार्ट होता है पेज नंबर 66 से। 67 में अगर देखेंगे तो पूरी उनकी संपत्तियों का विवरण है, उसी में कॉलम में संगीता की 16 साल उम्र है, और पेज नंबर 68 में पिताजी के हस्ताक्षर है परम सुख के। यस और उसके बाद टीप है पेज नंबर 69 में, परम सुख पिता राजभान साहू, मकान नंबर हाउस नंबर 593 में निवास करते हैं, यह मकान निवासी मकान है। अब नेक्स्ट एनेक्सर P6 है, संगीता का सर्वे पत्रक जी जो उनके हाउस का हुआ, जी P6। जी ये तो वही है जो आपने पहले P5 में हाँ, दिखाया। ये वही है सेम। हाँ फिर से पेज नंबर 71, मतलब जी जी ये संगीता का इंडिविजुअल जो बोल रही थी कि हमको पात्र होना चाहिए, जी ये उनका सर्वे है। इस सर्वे पे भी लिखा गया मुखिया पे आश्रित, जी ये पैरा नंबर 7 पे, और घर में अन्य परिसंपत्तियों का विवरण वेरी नेक्स्ट पेज में, जी जैसे पिताजी में लिखा गया था कि इनके पास हैंड पंप है, कुआ, उसमें कुछ भी नहीं पिता है। की आय पर हाँ, पिता की आय पर। और इसके बाद ये सर्वे है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 72 में, जिसमें संगीता की आयु 16 वर्ष है। 33 पे इनके साइन है जी जी।
पेज नंबर 72 और 73 में साइन है संगीता की। हाँ और ये हमने नहीं तैयार किया, ये कलेक्टर के डायरेक्शन पे एसडीओ तहसीलदार हल्का पटवारी फाइव लेवल फाइव सदस्यीय टीम रहती है। पेज नंबर 74 में टिप है, कुमारी संगीता पिता परम सुख नाबालिग है तथा इनकी गणना पिता के साथ मकान क्रमांक 593 के साथ की जा चुकी है। ये परिवार की श्रेणी में नहीं आते हैं। ग्राम हरावा का मकान नंबर 594 कच्चा खपरेल तथा रहायशी है जो कि हाउस नंबर 5593 का ही अंश भाग है। इनका मकान पिता के साथ मकान क्रमांक 593 में की गई इनकी गणना की गणना की। हाँ तो ये तो एक सेपरेट, अब जब ये डॉक्यूमेंट जो दे रहे हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट आज से 10 साल बाद, साल 2006 के पहले के बताइए ना, सर्वे के पहले के डॉक्यूमेंट्स तो लाइए। क्या स्टेट हैज जॉइंट हैंड्स विद द प्राइवेट पार्टी और इस कुछ और एजेंडा है ये देखिए। नहीं नहीं एक जो सर्वे 2006 में हुआ है और ये साइन कर रही है, इसका मतलब ये है कि पढ़ी लिखी तो है और हस्ताक्षर भी जो है वो बहुत क्लियरली डिपिक्ट्स दैट शी हैज स्टडीड। लेट हर फाइल हर एफिडेविट दैट शी हैज नेवर अटेंडेड एनी स्कूल एंड इफ यू फाइंड इट रॉन्ग विल प्रोसिक्यूट हर। लॉर्ड कार्डली हैव टू लुक रिप्लाई माय लॉर्ड, रिप्लाई देखना। द रिप्लाई जी आई हैव क्लियरली स्टेटेड इन पैरा 4 जी, पढ़िए पैरा 4 पढ़िए प्लीज। एंसरिंग रेस्पोंडेंट फर्दर सबमिट दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 3 दैट इज कलेक्टर सिंगुलरली पास द ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल मेड अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड बाय द, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद इट मलोट, वाज कलेक्टर नॉट रिक्वायर्ड टू सी द मटेरियल व्हिच वाज ऑन द डेट ऑफ द सर्वे। इसमें ये है कि सी वाज इलिटरेट, कहां से आया, मैं यही तो समझना चाह रहा हूं। वो साइन कर रही है आपके कलेक्टर साहब बिगर ये दस्तावेज देखे, सी वाज इलिटरेट मतलब स्कूल का उसका कोई दस्तावेज नहीं है, सिंपल दस्तखत संगीता पुत्री परम सुख साध निवासी ग्राम सोहनसो सिंगरौली द्वारा दिनांक 4/1/2016 को इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि शासन पावर लिमिटेड के पावर प्लांट से विस्थापित है। कंपनी द्वारा उसे विस्थापित का परिचय पत्र जारी किया गया है जिसमें 18/8/2006 की स्थिति में आवेदिका की उम्र 16 वर्ष लिखी गई जबकि आवेदिका की उम्र उक्त तिथि को 21 वर्ष थी, अतः परिचय पत्र में लिखी उम्र संशोधित कराई जावे। कैसे किस आधार पे कह रहे हैं 21 वर्ष, यही तो समझना चाह रहे हैं हम जी। ये कलेक्टर साहब जो हैं आपके ये किस आधार पे कह रहे हैं। फिर इसके बाद फाइंडिंग दिया पैरा 4 में, पैरा 4 पढ़िएगा। उभय पक्ष को सुना गया, अनावेदक पक्ष द्वारा उनके जवाब में उल्लेखित तथ्य ही दोहराए गए हैं। आवेदिका द्वारा कहा गया कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, आवेदिका द्वारा कहा गया कि वह पढ़ी लिखी नहीं, अतः उनके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र जन्म अरे भाई एक छोटी सी बात है, अगर वो 21 साल की थी 2006 में तो 1989 में जब चुनाव हुए हैं तब 18 साल हो गई थी, उसके पास वोटर आईडी कार्ड तो होगा उस समय का। उसके बाद का देखें उसकी शादी बात का, आई एम सॉरी प्लीज डोंट ट्राई टू ट्विस्ट द मैटर। नहीं हम तो वही पढ़ना, नो नो कलेक्टर का पढ़ना चाह रहे हैं कि उसकी शादी हो गई थी और ससुर के शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी 2008 में हुई है। मुद्दे की बात यह है कि 2006 में आपके कलेक्टर साहब के मुताबिक वो 21 साल की थी, वोटर आईडी कार्ड तो दे दें 2006 का, विल डायरेक्ट हिम टू प्रोड्यूस दिस, आप यू आर रिप्रेजेंटिंग रिस्पॉन्ड नंबर 5 ना, यू प्रोड्यूस वोटर आईडी कार्ड ऑन अ डेट प्रायर टू, क्योंकि आप तो 21 साल के हो गए थे, वोट डालने की पात्रता आपको 18 साल की उम्र में हो जाती है, आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए 2006 के सर्वे के पहले का। देखिएगा इन दिस केस कंट्रोवर्सी इज इन रिगार्ड टू एज ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 5 फुल स्टॉप। नहीं नहीं जो जो चीज आपसे मांग रहे मेडिकल हम नहीं जाएंगे, मेडिकल में 2 साल प्लस माइनस होता है, वो भी ड्यूटी का मेडिकल है, ऐसा मेडिकल नहीं है ज्वाइन करने का कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्ला जी ये भी समझना जरूरी है कि कब चुप रहना चाहिए। मालर्स मालर्स क्या हुआ, एज ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 5 कलेक्टर सिंगरौली हैज मेंशनड इन हिज इंप्यूंड ऑर्डर डेटेड 15/10/2016 दैट रिस्पोंडेंट नंबर 5 वाज 21 इयर्स ऑफ एज on 18/8/2016 and has therefore passed an order in her favor. Full stop.
आई हैव परयूज द आइडेंटिटी इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड इशूड इन फेवर ऑफ द प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट इन द ईयर 2014 फुल स्टॉप कलेक्टर हैज टेकन दिस स्टेटमेंट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 टू बी अ गॉस्पल ट्रुथ दैट शी इज इलिटरेट एंड नेवर अटेंडेड एनी स्कूल फुल स्टॉप कॉन्ट्रेरी टू दिस Planet Council for the petitioner submits that the birth certificate which has been produced as annexure P7 is dated 12/6/2016 full stop ID samagra ID or the Aadhaar card is also of a subsequent date full stop election card contained in annexure P7 was issued on 25/12/2014 full stop date of attaining adulthood and becoming a voter is 18 years. Therefore, if collector's contention is to be appreciated, then in the year 2003, she had become eligible to cast her vote. Full stop. Her date of birth is mentioned as 1185. Therefore, on 1/1/2003, she was an eligible voter. Elections were conducted for Vidhan Sabha in November 2003 and Lok Sabha in 2004. She should be directed to produce her election ID card issued prior to 2006 to depict her correct date of birth. Full stop. It is also submitted that, in fact, in the survey, she had signed the survey sheet. As is evident from annexure P6, page 73 of the petition, full stop. Thus, her contention that she is illiterate is also prima facie incorrect from the documents available on record. Next, Planet Council for the respondent number 5 is directed to file copy of election ID card of the respondent number 5, which was issued prior to 2006. To substantiate the findings of the collector Singrauli, full stop. कितने समय में पेश करेंगे आप? Full stop. He prays for and is granted 2 weeks time to do the needful. List immediately after 2 weeks in the week commencing 31 July 2023.